10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। साथ ही हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि अगर राज्य में पुलिस हालात नियंत्रित करने में नाकाम रहती है तो सरकार केंद्रीय बल को बुलाए। कोर्ट ने सरकार को 15 जून तक स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज के खंडपीठ ने उम्मीद जताई है कि राज्य प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे कि कोई अप्रिय घटना न हो और शांति बरकरार रखी जा सके। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि यदि राज्य की पुलिस किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने में असफल रहती है तो प्राधिकरण तत्काल कदम उठाते हुए केंद्रीय बलों को बुलाए। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने याचिकाओं का विरोध करते हुए दावा किया है कि अब तक एक ट्रेन के क्षतिग्रस्त होने के अलावा एक यात्री ट्रेन के क्षतिग्रस्त होने की एक घटना के अलावा पिछले 36 घंटों में कोई हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने अदालत से कहा कि मामले में 214 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।